नमस्कार, मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने आज आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में भगवान विश्वकर्मा पूजा के दिवस 17 सितंबर के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु अपर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल व महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया है। पूर्व मंत्री श्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस विश्वकर्मा समाज के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। विश्वकर्मा समाज की पहचान भगवान विश्वकर्मा से है। देश में लगभग 5-6 करोड़ विश्वकर्मा समाज के लोग तथा उद्योग, शिल्प, तकनीकी, अभियंत्रण, व्यवसाय, तकनीकी शिक्षा, वास्तु, कारीगर, शिल्पी आज 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा, आरती और आराधना करती है। उन सभी की भावनाएँ भगवान विश्वकर्मा जी के मान सम्मान से जुड़ी हैं। हमारी मांग है कि सरकार देश की इतनी बड़ी आबादी की भावनाओं का सम्मान करते हुए भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। क्या कुछ कह रामाश्री विश्वकर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। भारतीय विश्वकर्मा से प्रकार महासभा के पूरे पदाधिकारी यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का कार्य किया है, राज्यपाल के नाम और महामहिम राष्ट्रपति के नाम। 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम करें और ये ज्ञापन केवल आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजने का काम किया जा रहा है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा सबके आराध्य देवता है। केवल विश्वकर्मा समाज ही नहीं बल्कि लोहे लकड़ी के उद्योग में लगे हुए वो सभी लोग, इंजीनियरिंग उद्योग से लेकर, तकनीकी उद्योग से लेकर के सभी लोग, काम करने वाले लोग 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और भगवान विश्वकर्मा को पूजा करते हैं, जीने का काम करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर 2003 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 17 सितंबर का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम किया। 2012 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम किया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा के पूजा के सार्वजनिक अवकाश को निरस्त करने का काम किया, भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया, भगवान विश्वकर्मा के मानने वाले वो करोड़ों लोगों का भावनाओं को आहत करने का काम इस BJP सरकार ने किया। आज हम मांग करने आए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार को और देश के प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि 17 सितंबर को वो राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का काम करें और उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, माननीय श्री नारायण सिंह यादव जी ने विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, उसी तरह से पुनः जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित करके उन सभी विश्वकर्मा समाज के लोगों को सम्मान करने का काम करें।